नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है बेहद जरूरी। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीयू के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में पहुंचे, लेकिन आना जाना दोनों मेट्रो से उन्होंने किया और वहां पर उपस्थित लोगों से बात भी की, तो उस पर सबसे पहले बात करेंगे। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि जो यूसीसी समान नागरिक संहिता है उसको लेकर के गतिविधियां तेज हो गई हैं और क्या संसद का जो आगामी मॉनसून सत्र है उसमें ये विधेयक के तौर पर आ सकता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ हो रहा है राजस्थान में, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में गर्जे हैं उदयपुर में, वहां पर उन्होंने जनसभा की है। भारतीय जनता पार्टी के महासंपर्क अभियान का आज आखिरी दिन है। और साथ ही बात करेंगे कि एकनाथ शिंदे की जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, तो क्या महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है या कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के ये मुलाकात हुई है, तो इन सभी मुद्दों पर करेंगे बात, करेंगे सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय की सराहना की, कहा यह विश्वविद्यालय नहीं एक आंदोलन रहा है। डीयू के अंदर 3 नए भवनों का भी किया शिलान्यास, विश्वविद्यालय के अब तक के सफर पर लगाई गई प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन, छात्रों और शिक्षकों से की मुलाकात। मेट्रो की सवारी कर दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वापसी भी मेट्रो में ही की। प्रधानमंत्री से मिलकर उत्साहित हुए यात्री और प्रधानमंत्री ने किया ट्वीट, कहा युवाओं को अपने सहयोगियों के सहयात्रियों के तौर पर पाकर हुई खुशी। बीजेपी के महा जनसंपर्क अभियान का आज आखिरी दिन, राजस्थान के उदयपुर में गृह मंत्री अमित शाह की विशाल रैली, जनजातीय विशिष्ट जन संवाद भी कर रहे हैं अमित शाह। उधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चढ़ा राजनीतिक पारा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी जनसभा। समान नागरिक संहिता पर बनी संसदीय समिति ने 3 जुलाई को विधि आयोग को बुलाया, बीते 14 जून को विधि आयोग ने तमाम हितधारकों के विचार किए थे आमंत्रित, समान नागरिक संहिता पर हितधारकों के सुझावों पर होगा विचार विमर्श। अमरनाथ यात्रा के लिए निकले श्रद्धालुओं का पहला जत्था उधमपुर पहुंचा, टिकरी में हुआ स्वागत, आज सुबह भोले के जयकारे के साथ जम्मू बेस कैंप से रवाना हुए श्रद्धालुओं को कल होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। देश भर के तमाम हिस्सों में मॉनसून की बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, दिल्ली मुंबई और पटना जैसे शहरों में जल भराव की समस्या, तो वहीं असम में अब सिर्फ 9 जिलों में है बाढ़ का असर। और पैन नंबर को आधार से लिंक करने की आज अंतिम तारीख, लिंक नहीं करने वालों का कल 1 जुलाई से रद्द हो जाएगा पैन कार्ड, समय सीमा बीतने पर भरना पड़ेगा 1,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में उपस्थिति की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल और डीयू के अंदर पीएम ने 3 नए भवनों का शिलान्यास भी किया है, प्रदर्शनी का वहां पर अवलोकन किया और छात्रों और शिक्षकों से मुलाकात भी की। और खास बात यह भी रही कि पीएम नरेंद्र मोदी आम यात्रियों की तरह मेट्रो से यात्रा कर डीयू पहुंचे, वापसी में भी मेट्रो की ही सवारी की, पीएम से मिलकर और बात कर यात्री उत्साहित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और कहा कि युवाओं को अपने सहयात्रियों के तौर पर पाकर खुशी हुई।
दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वविद्यालय की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल के सफर पर कहा, ये विश्वविद्यालय नहीं एक आंदोलन रहा है। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि डीयू ने 100 सालों में अगर अपने एहसासों को जिंदा रखा है तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। पीएम ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान के महत्व पर जोर दिया और कहा कि जिसके पास ज्ञान है वही सुखी है और बलवान भी है। तो पीएम मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में ज्ञान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जिसके पास ज्ञान है वही सुखी है और बलवान है। आइए सुनते हैं। हमारे यहां कहा जाता है, ज्ञान वानेन सुखवान, ज्ञान वानेव जीवती, ज्ञान वानेव बलवान, तस्मात् ज्ञान मयो भव। अर्थात जिसके पास ज्ञान है वही सुखी है, वही बलवान है, और वास्तव में वही जीता है जिसके पास ज्ञान है। इसलिए जब भारत के पास नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, तब भारत सुख और समृद्धि के शिखर पर था। जब भारत के पास तक्षशिला जैसे संस्थान थे, तब भारत का विज्ञान विश्व को गाइड करता था। और साथ ही पीएम ने कहा कि आज जब भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शुमार है। कभी भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल के लिस्ट में थी, खस्ता हाल थी, आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। आज डीयू में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई है। इसी तरह देश में भी जेंडर रेशियो में काफी सुधार आया है, यानी शिक्षण संस्थान की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है। इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश, कुछ बातें तो हमने प्रधानमंत्री की सुनवाई, और कुछ क्या खास उन्होंने इस मौके पर दिल्ली विश्वविद्यालय में, वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री ने छात्रों और शिक्षकों से रूबरू होकर के कौन सी ऐसी मुख्य मुख्य बातें रखी? गिरीश देखिए लालचंद, सबसे खास बात तो ये रही कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का आगमन हुआ। इसको लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय पूरी तरह से उनका इंतजार कर रहा था और अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा था, क्योंकि जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसने शताब्दी वर्ष जो है अपना पूरा कर लिया है, यानी कि 100 साल पूरे होकर 101वें साल में दिल्ली विश्वविद्यालय ने कदम रखा है। और ऐसे जब शताब्दी समारोह का समापन था, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचते हैं। और सबसे खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो के द्वारा पहुंचे, किसी भी मेट्रो की सर्विस को बाधित नहीं किया, वो साधारण व्यक्ति की तरह मेट्रो में पहुंचते हैं और मेट्रो में बैठकर जो आम यात्री उसमें सफर कर रहे थे उनके साथ ही बैठकर वो दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय उतरकर वो सीधा फिर मल्टीपर्पज़ हॉल जो है, बहुउद्देश्य परिसर हॉल है, उसके अंदर पहुँचते हैं। वहाँ सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ विद्यार्थियों के साथ उन्होंने अपने फोटो खिंचवाए, साझा किए, विद्यार्थी
विद्यार्थी काफी उत्साहित दिखाई दिए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ये प्रदर्शनी वो प्रदर्शनी है, हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय में लालचंद कुल 90 कॉलेज आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा कॉलेज जिनका इतिहास पिछले 100 साल का रहा है, उन कॉलेजों को चयन किया गया था प्रदर्शनी लगाने के लिए। और उन तमाम कॉलेजों ने अपनी अपनी उपलब्धियों को पिछले 100 साल के अंदर जिस तरह से जिस कॉलेज की उपलब्धि रही है उसने वहां पर दिखाने का प्रयास किया था। इसके अलावा यहां पर एक प्रदर्शनी के अंदर एक वॉल ऑफ फेम भी लगाई गई। वॉल ऑफ फेम के अंदर खास तौर पर जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े विद्यार्थी हैं उनके फोटो साझा किए गए, जिसमें काफी संख्या में फोटो देखने को मिले, जिनमें अगर पहले फोटो की बात की जाए तो लालचंद्र पहला फोटो उसमें मीनाक्षी लेखी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका दिखाई दिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल का दिखाई दिया, ठीक है, इसी तरह राज्यपाल उपराज्यपाल की फोटो भी दिखाई दी, जिनमें IPS किरण बेदी तमाम और बहुत सारे लोग थे, चाहे अमिताभ बच्चन हो अभिनेता हैं जो वो करोड़ीमल कॉलेज से पढ़े हैं, वो इस तरह के तमाम जो दिल्ली विश्वविद्यालय से लोग पढ़े हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है उनकी वॉल ऑफ फेम वहाँ पर लगाई गई थी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने जो वहाँ विद्यार्थी मौजूद थे जो उनको प्रदर्शित कर रहे थे कि उनके बारे में बता रहे थे उनको प्रधानमंत्री ने अच्छे से समझा, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री मल्टीपर्पस हॉल के अंदर पहुंचे और वहां पर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले दो पुस्तिकाओं का लोकार्पण किया। दो पुस्तिकाओं का लोकार्पण करने के बाद उन्होंने जो कंप्यूटर सेंटर है उसका आधारशिला रखी, इसके अलावा एक अकादमिक खंड है उसका रखा और एक संकाय भवन का भी उन्होंने कहीं ना कहीं शिलान्यास किया है। तो अपने आप इस बार प्रधानमंत्री का आगमन महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके आने से कई सौगातें दिल्ली विश्वविद्यालय को मिली हैं और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा दिल्ली विश्वविद्यालय के हर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आना जाना दोनों चीज मेट्रो से की और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि युवा सहयात्रियों के साथ मिलकर वाकई बहुत ही खुशी उनको महसूस हुई जिस तरह से वहां पर उन्होंने युवा सहयात्रियों से बात की। ये प्रधानमंत्री के जो इस तरह के फैसले होते हैं वो निश्चित तौर पर जो आम नागरिक हैं आम युवा हैं उनके दिलों को छू जाते हैं क्योंकि आम यात्रियों की तरह उन्होंने आना जाना दोनों कुछ मेट्रो में किया। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा लालचंद्र, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है खुद भी वो पहले मेट्रो से आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय उतरते हैं और फिर जाते वक्त भी उन्होंने तय किया कि वे मेट्रो से ही जाएंगे और उन्होंने एक संदेश दिया कि जो सार्वजनिक जो व्यवस्था है जो परिवहन की व्यवस्था है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में इससे एक दोस्ती का उन्होंने एक अच्छा उदाहरण अपने संबोधन में कहा था, मित्रता का भाव किस तरह से बढ़ता है, जो अपने साथ लोग रहते हैं उनसे कितने और घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं, ये बात भी उन्होंने की। इतना ही नहीं लालचंद, उन्होंने अपनी स्पीच में साफ कहा था, उन्होंने नॉर्थ कैंपस के पटेल चेस्ट का जिक्र किया तो साउथ कैंपस का आनंद निकेतन का जिक्र किया, जहां पर विद्यार्थी बैठकर चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं, अपने जो अनुभव एक दूसरे साझा करते हैं। तो इस बात को लेकर तमाम जो विद्यार्थी थे, जो वहां पर माहौल था वहां पर हॉल में देखने लायक था, तमाम चारों तरफ से मोदी मोदी के नारे लगने लगे थे, तो अपने आप में एक देखने वाला आज का माहौल था दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। बिल्कुल, और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 भवनों का शिलान्यास किया है वो भवन किन किन चीजों से जुड़े हुए हैं गिरीश? देखिए ये 3 भवनों की बात की जाए तो एक कंप्यूटर सेंटर बनाया जाएगा, इसके अलावा एक प्रौद्योगिकी सेंटर बनाया जाएगा, भवन बनाया जाएगा, और इसके अलावा एक एकेडमिक जो अकादमिक खंड है उसका भी शिलान्यास किया है। तो अलग ये 3 भवन होंगे और जल्द ही ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DU को ये सौगात दी है 3 भवनों के रूप में, तो आज अपने आप में बड़ा दिन रहा है DU के लिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जुड़ने के लिए इस खबर पर हमारे साथ। तो हमारे संवाददाता गिरीश निशाना जुड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के DU का जो समापन समारोह है वहां पर जो प्रधानमंत्री पहुंचे थे उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा के समान नागरिक संहिता को लेकर के क्या कुछ हलचल तेज हुई है और क्या संसद के आगामी मानसून सत्र में ये विधेयक आ सकता है क्या, इस पर करेंगे चर्चा। आप देखते रहिए DD News। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है।
भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक ₹1000 की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि समान नागरिक संहिता को लेकर क्या कुछ हलचल तेज हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पब्लिक मीटिंग में समान नागरिक संहिता पर चर्चा करने के बाद से सियासी गलियारे में इसे चर्चा का मुद्दा बना दिया गया है और इस पर काफी चर्चा हो रही है। सियासी दलों की बहस के बीच संसदीय समिति ने 3 जुलाई को बैठक बुलाई है। इसी मुद्दे पर कानून मंत्रालय के साथ ही विधि आयोग के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली ये संसदीय समिति है 30 सदस्यों वाली, जिसकी बैठक में संभावना है कि यूसीसी के मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा होगी और साथ ही ऐसी भी संभावना है कि समान नागरिक संहिता से संबंधित बिल को संसद के आगामी मानसून सत्र में रख दिया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन ने विभिन्न संगठनों और लोगों से राय मांगी है। पिछले साल संसदीय समिति ने गोवा का दौरा किया था और वहां पर खास तौर पर अध्ययन किया था, क्योंकि गोवा में पुर्तगीज शासन काल से ही सिविल कोड लागू है। तो समिति ने गोवा में अध्ययन किया था कि कॉमन सिविल कोड सारे नागरिकों पर किस तरह से काम कर रहा है। गोवा में खास तौर पर संसदीय समिति ने गोवा में यह पाया था कि अधिकांश लोग इससे संतुष्ट नजर आए थे। गोवा में सिविल कोड समान रूप से सभी पर लागू है और गोवा के बाद दूसरे राज्य की बात करें तो उत्तराखंड सरकार भी इसी से मिलते जुलते बिल का प्रस्ताव सामने लेकर आ चुकी है और राज्य के नागरिकों से यहां पर भी राय ली गई है। पीएम मोदी ने दरअसल भोपाल में कहा था कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों ने मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग का शोषण किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज भी जब समान कानून की चर्चा होती है तो कुछ लोग भड़काने का काम करते हैं। इस बीच केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि देश में पिछले 70 साल से हिंदू कोड तो लागू है, लेकिन कभी किसी हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो सवाल यह बनता है कि जब देश में सभी लोग अपनी अपनी संस्कृति और रिवाज का पालन कर ही रहे हैं तो फिर यूसीसी को लेकर भ्रम क्यों है? यह बड़ा सवाल है। तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस देश में हिंदू कोड बिल बीते 70 सालों से लागू है और वो समान रूप से हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनों पर भी लागू है, लेकिन वहां आज तक कोई विवाद नहीं हुआ क्योंकि यह आपके निजी व्यवहार को टारगेट नहीं करता है। हिंदू कोड बिल इज देयर नाउ सिंस मोर देन 7 decades. It is equally applicable to Hindus, to Sikhs, to Jains, to Buddhists. Has that been able to create uniformity among them all? Not even among Hindus. The way marriage is solemnized in Kerala is totally different from the way marriage is solemnized in Uttar Pradesh. Any such law cannot be concerned with the way you solemnize your marriage, your customs, your rituals, your practices. They are not targeted by the law. बहुत अच्छी तरह से साफ किया है केरल के राज्यपाल
आरिफ मोहम्मद खान ने यूसीसी की स्थिति को लेकर। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी, साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आरपी सिंह जी, साथ में लोकेश जिंदल कांग्रेस के नेता हैं। लोकेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत करता हूँ विनोद जी से। विनोद जी, जिस तरह से ये बात सामने आ रही है यूसीसी को लेकर के, क्या हम ये मान के चलें कि जिस तरह संसदीय समिति ने ये बैठक बुलाई है तो आने वाले मॉनसून सत्र में इस पर विधेयक आ सकता है, इसकी संभावना कितनी लग रही है विनोद जी? राजी, संभावनाओं की बात अगर आप करें तो सवाल ये भी है कि ये 5 अगस्त भी आने वाला है, और जब भी कभी इस तरह के बिल आते हैं, इतने इंपॉर्टेंट बिल आते हैं, तो लोग इस बात का कयास जरूर लगाते हैं कि शायद आर्टिकल 370 को, जिस तरह से 5 अगस्त को ही सबसे बड़ा पहले बिल लाया गया था, राम मंदिर के बाद जो बरसों से इस तरह की लंबी थी उसका भी भूमि पूजन प्राइम मिनिस्टर ने 5 अगस्त को ही किया था, तो हो सकता है गजब का संयोग है। तो हो सकता है कि ये आने वाला जो मानसून सत्र है, जैसे कि संभावना है कि 17 जुलाई से शुरू हो, तो उसके साथ में ये बिल जो है कभी भी पार्लियामेंट में आ सकता है, लेकिन उसके आने की तो एक लंबी प्रक्रिया है। अभी एक ड्राफ्ट कमेटी को जाएगा, कमेटी की तरफ से जब चीज़ें सारी बात सामने आएगी उसके बाद वो फिर से लॉ मिनिस्ट्री में जाएगा, उन सारी चीज़ों पे वो लोग देखेंगे कि कानून किस तरह से एक किसी भी स्टेट के साथ में कोई कंसर्ट नहीं कर रहा है या दूसरे कानून से वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आना अभी बाकी है, लेकिन 5 अगस्त है इसलिए आने वाला है, इसलिए सारे मीडिया में जो चर्चा है वो बहुत बड़ी चर्चा है। नहीं, उसके बाद जो डेवलपमेंट है इसका, वो डेवलपमेंट ये है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं उसके सुशील मोदी जी, तो सुशील मोदी जी की तरफ से 3 जुलाई को एक मीटिंग होनी है जिसमें उन्होंने लॉ कमीशन और लॉ मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ में जो 30 सदस्यों की जो कमेटी है उसके साथ ये मीटिंग होनी है, और ऑब्वियसली कि इसमें जो लॉ कमीशन ने अभी 14 जुलाई को ये सारे लोगों को सुझाव मांगा था, उनसे एक राय मार्ग बनाने की कोशिश की थी, वो चाहे वो धार्मिक संगठन हो या चाहे एनजीओ हो या जो भी लोग हों जो अपनी राय यूसीसी पे ला सकते हैं, दे सकते हैं, उन सारे चीजों को कलेक्शन किया जा सकता है। तो इन्हीं संदर्भ में अभी जस्ट पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से यह कहा गया है कि 3 जुलाई को उनकी मीटिंग है जिसमें वो दोनों, चाहे लॉ कमीशन के ऑफिसर्स हो या लॉ मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स हो, वो सारे लोग बैठेंगे और इस पे चर्चा करेंगे। तो ऑब्वियसली इस चर्चा के बाद तो ये बात बनती है कि लॉ का जब स्टैंडिंग कमेटी इस पर एक रुख ले रही है, कमेटी जो है एक राय बना रही की कोशिश कर रही है, कमेटी जो है व्यू जानने की कोशिश कर रही है, तो ऑब्वियसली आने वाला मानसून सत्र में इसका बिल रखा जा सकता है, जो सरकार की एक जिम्मेदारी भी होती है और सरकार का ये अपना एक आप कह सकते हैं कि अधिकार भी होता है, जो जिस तरह से देश में कोई डिमांड है या देश में जो चर्चा है उसको लेके सरकार कभी भी कोई कानून का मसौदा लेके संसद के सामने में रख सकती है, और यही प्रक्रिया के कारण अभी आज आप मीडिया में इतनी इसकी चर्चा देख रहे हैं। कांग्रेस इस पर कहां खड़ी है, इस पर हम लोकेश जिंदल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आरपी सिंह जी के पास मैं सीधा चलता हूं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं ताकि वो कम से कम इस बारे में और प्रकाश डालें कि क्या संसद के आगामी मानसून सत्र में आरपी सिंह जी ये बिल आ रहा है क्या, क्योंकि जिस तरह से संसदीय समिति भी सक्रिय है, लॉ कमीशन तो पहले से सक्रिय है ही। एक प्रोसेस है, प्रोसेस में लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं। ठीक है, मेरी जानकारी के अनुसार 8 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव लॉ कमीशन को भेजे और अभी भी वे सुझाव चल रहे हैं, और वो वेब पोर्टल के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से डेलीगेशन भी मिलने गए हैं मुझे जानकारी जी। तो अब अगला स्वाभाविक जो प्रोसेस है वो कि इसका ड्राफ्ट बने, ड्राफ्ट बनकर वो संसदीय समिति के पास जाए, वहां से फिर ये वापस से प्रोसेस हो, ये परंतु एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब अगर ये प्रोसेस अगले 2 महीने में पूरा होगा तो हो सकता है 5 अगस्त को ये बिल पार्लियामेंट में पेश हो जाए, परंतु ये प्रोसेस पूरा होने के बाद जिसमें सब लोगों से, सब धड़ों से, सब जो लोग अपनी राय देना चाहते हैं उनसे राय लेने के बाद, तो यानी 5 अगस्त की चर्चा आप भी कर रहे हैं? नहीं, मैं करूँ 5 अगस्त को भी हो सकता है, अगर डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस पूरा होगा, एक लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस पूरा होगा, परंतु मुझे कुछ लोग जो अटवेटिंग सी बात लग रही है कि उसको वो निजी जो मेरे पूजा पद्धति है उसके साथ जोड़ रहे हैं, उसका कुछ लेना देना नहीं, ये शादी के साथ, तलाक के साथ, उत्तराधिकारी के साथ, विरासत के साथ, इन सब का मामला है, और बेटियों को बराबर अधिकार मिले जी, जी। वैसा मामला, और प्रधानमंत्री ने ठीक है कि एक घर के अंदर दो कानून नहीं हो सकते। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, अगर मेरा बेटा कल किसी
अन्य जाति धर्म की बेटी से शादी कर लाता है तो ये नहीं सोचता कि उसके लिए अधिकार कुछ और होंगे और मेरी अपनी जो बेटियां उसके अधिकार होंगे और होंगे एक जैसे ही होनी चाहिए, दोनों को एक जैसे ही विरासत मिलनी चाहिए, दोनों को एक जैसे अधिकार होने चाहिए। तो ये मामला उस प्रकार का है। ठीक, इसीलिए तो संविधान में इसकी व्यवस्था की भी गई थी उस समय। मैं लोकेश जिंदल के पास चलता हूँ। लोकेश जी, अभी तक कांग्रेस के जो इस मामले में पक्ष आया है कांग्रेस की तरफ से, उससे लग रहा है कि कांग्रेस शायद समर्थन नहीं कर रही है। पी चिदम्बरम का भी बयान आया हुआ इस बारे में, कांग्रेस पार्टी भी कुछ न कुछ इसमें किंतु परंतु लगाती जा रही है। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि जब संसदीय समिति में आपके आपकी पार्टी के सदस्य जाएंगे तो वहां पर तो साफ साफ बात रखनी पड़ेगी कांग्रेस ने क्या मन बनाया है। क्या वहां पर संसदीय समिति के अंदर जाकर समर्थन करेंगे? कुछ पार्टियां समर्थन का ऐलान कर चुकी हैं, कुछ पार्टियां विरोध का ऐलान कर चुकी हैं। कांग्रेस कहां पर खड़ी है अभी? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऑब्जेक्टिव है, ये डीपीएसपी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही निर्धारित किया था जी। लेकिन इसे एक लॉ के माध्यम से लागू करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 44 खुद कहता है कि द स्टेट शैल एंडीवर, इसका मतलब स्टेट प्रयास करेगा कि ऐसी परिस्थितियां बनाए जाए जो अनुकूल हो, जिसके द्वारा हम यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरह से ला पाए देश में और उसकी उसे स्वीकारा जाए समाज द्वारा। आज तो साल हम समाज तो की जी आज हम समाज की परिस्थिति देखते हैं। ट्राइबल्स देख लीजिए, मेघालय ट्राइबल काउंसिल ने इसका विरोध किया है, गैरो, खासी, केरल में ऐसी कई मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, उत्तराखंड में ऐसे कई ट्राइबल हैं, झारखंड में ट्राइबल्स हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। अगर हम कुछ माइनॉरिटीज की बात कर लें, उनमें शिक्षा का दर आज भी 68% 75% है, आज भी वे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है। तो अगर हम बात करते हैं सरकार की, ये वही सरकार है जो कर्नाटक में 4% का रिजर्वेशन मुस्लिम समाज के लिए हटाना चाहती थी। तो धार्मिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है तो हटा रही थी। सुनिए, ये उनका सामाजिक और आर्थिक जो है बढ़ोतरी हो, जिसके द्वारा उनमें जो है इस तरह के कानून को स्वीकारने की अनुकूलता आएगी। सरकार दोगलापन है, एक तरफ तो वो एक्सेलरेटर दबाती है, दूसरी तरफ ब्रेक दबाती है। इनका सरकार की जो नीतियां है, इससे पिछड़ा जो कल्चर है उसके तरफ कुछ समाज जा रहे हैं। आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है हमारे समाज। इन सारी चीजों पर उस समय संविधान सभा ने भी जरूर विचार किया होगा और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए, और उसके बाद संविधान को लागू हुए 73 साल बीत गए, अब ये कब लागू होगा? लोकेश जिंदल जी, मैं लौटता हूं आपके पास सवालों को लेकर, लेकिन मैं जरा विनोद जी का रुख करता हूं। विनोद जी, कांग्रेस, मुझे ऐसा लग रहा है, आप भी इस चीज को देख रहे हैं और तमाम बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, क्या लगता है कि संसदीय समिति में तो औपचारिक रूप से अपना रुख रखना पड़ेगा कांग्रेस के लोगों को, तो वो क्या रुख रखेंगे और क्या वो अपने वहां पर स्टैंड देंगे, जैसा लोकेश जी भी बोल रहे हैं, चिदम्बरम, पी चिदम्बरम बोल रहे हैं और कांग्रेस के तमाम नेता बोल रहे हैं। ला जी, लोकेश जी काफी विद्वान आदमी हैं और लीगल का मुझे तो लगता है कि मेरे से तो बहुत ज्यादा जानते हैं। वो जिस लीगल पर्सपेक्टिव में इसको खाका खींचने की कोशिश करते हैं, ये खींचते खींचते कांग्रेस ने 70 साल लगा दिए थे। लेकिन मैं उनको बता रहा हूँ कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो 44 में शायद हमसे बेहतर जानते हैं इस चीज को, शैल का यूज किया गया है, भूल नहीं है, मैं ये स्टेट की ड्यूटी है, ये करना है उनको कि इस देश में एक कानून होंगे सबके लिए। जो नहीं हुआ ये बात तो दोनों प्रवक्ता बेहतर आ रहा हूं, लेकिन आर पी सिंह जो बात कर रहे थे, मैं उनकी बात को कह रहा हूँ कि ये भ्रम की स्थिति जो है वो हर समय में भ्रम कैसे फैलाया जाता है। अभी जो इसी जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की जो ये अभी सूचना है हम लोग के पास, जो 3 जुलाई को उनकी मीटिंग होनी है, उसी तरह से एक हाउस कमेटी जो है पिछले साल गोवा गई थी, संसद की ही कमेटी थी, गोवा गई थी इस बात को परखने, इस बात को जानने के लिए कि गोवा में पिछले कई वर्षों से, आप कह सकते हैं कि गोवा के आजाद मुक्ति से बहुत पहले से वहां पुर्तगीज शासन के तरफ से ही वहां एक कॉमन सिविल कोड लागू किया गया था, और उस कॉमन सिविल कोड को उन्होंने बहुत तरीके से प्रैक्टिस में लाया था। गोवा को आप देख लें कि वहां हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन उन्हें कभी भी एडॉप्शन के मामले में, शादी के मामले में, तलाक के मामले में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। वहां बहुविवाह भी नहीं है, पॉलीगैमी का आप ये देख लीजिए कि वहां
कोई मुस्लिम जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, और वहाँ चल रहा है, वहाँ वही चीज क्रिश्चियन में भी लागू है, वहाँ एडॉप्शन में वही चीज लागू है। तो जब देश में एक स्टेट ने ये मानक करके दिखाया है तो ये कैसे संभव है कि और बाकी जो 30 स्टेट है उसमें कोई अपना एक रिलीजियस और पर्सनल लॉ लेके आए कि हमारे तलाक में ये इशू है, हमारे एडॉप्शन में आपका ये इशू है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी मजहब के लोग हो, जब वो कोई बच्चा गोद लेता है तो जब उसके अधिकार की बात होगी तो फिर उसमें अलग अलग कानून कैसे होंगे? अभी तक अपने यहाँ हिंदू कोड के अलावा किसी भी कम्युनिटी में उसको अधिकार नहीं मिलता है, तो अगर अधिकार नहीं मिलता है तो उनको गोद लेने का कोई राइट नहीं बनता है। उसी तरह से तलाक के मामले में आप देख लीजिए, एक ट्रिपल तलाक इशू को खत्म करने में जब सुप्रीम कोर्ट की पहल हुई तब यही मोदी सरकार ने पहल किया और वो खत्म हो गया। तो जब जितने बड़े इस्लामिक कंट्री हैं उसने ये ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया था, लेकिन भारत में इसकी शंका और ये चीजें उठती रही। तो आप देख लीजिए कि साहबानों के इशू में क्या हुआ, और यही कांग्रेस की सरकार है जो इसके लिए कानून बना के ले आए थे। तो ये जो इनका अंदेशा है, इस अंदेशा को लोकेश जी को छोड़ना चाहिए, ये देश बहुत बदल गया है। लोकेश जी ने कुछ बातें रखी हैं, उस पर मैं आरपी सिंह जी से जरूर जवाब लूंगा, लेकिन पहले अभी मैं लोकेश जी के पास ही चलता हूँ। लोकेश जी, गोवा में तो कांग्रेस ने कई सालों तक राज किया है भाई, वहां पर कांग्रेस ने कई सालों तक शासन चलाया है, वहां लंबे समय से समान नागरिक संहिता लागू है। अच्छा, गोवा के समाज को हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो एक रूपी समाज है, बिल्कुल बहुरूपी समाज है, तो क्या दिक्कत है? उस तरह से पूरे देश में क्यों नहीं लागू हो सकता? लोकेश जी देखिए, ये ऐतिहासिक जो कस्टम है, अगर आप गोवा सिविल कोड की बात करेंगे, ये पोर्तुगीज द्वारा लाया गया था। और अगर मेरे मित्र कह रहे थे कि वहां पर पॉलीगैमी नहीं है तो ये गलत है। हिंदूज अगर मान लीजिए चार शादियां हैं वहां पर, हाँ वहां पर बाइगैमी अलाउड है, अगर महिला लोकेश जी शायद उसको करेक्ट कर ले। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ पर अगर प्रोजेनी ना दे पाए तो बाइक वहाँ नहीं है, वहाँ बगैर रजिस्ट्रेशन के किसी की शादी होती नहीं है। अरे सर, आप मुझे बात करने दीजिए। हाँ, कीजिए, बिल्कुल कीजिए, वो खाली करेक्ट कर रहे हैं। देखिए, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, वो एक आपको सहूलियत देता है सिविल कॉन्ट्रैक्ट की। अभी जैसे अपवाद की स्थिति में देता है, जो है अगर उनका बेटा कल को दूसरी जाति या दूसरी धर्म की किसी महिला से शादी करना चाहे, हाँ। तो स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान है आपके पास में। अभी आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत तो पूरे देश के लिए भी उस तरह का कोई प्रावधान ले आएंगे समान नागरिक संहिता के? पूरे देश में है स्पेशल मैरिज एक्ट, आपके पास में चॉइस है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किसी भी मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट की तरह से लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है या फिर बहुत ज्यादा आवश्यकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम इसमें भी ले सकते हैं। आप संसदीय समिति में जाके बात रखिए कि इस तरह का प्रावधान रहना चाहिए जो गोवा में। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। आरपी सिंह जी, तमाम बातें जो इन्होंने कही कि सरकार की नीयत में खोट है, सरकार की नीयत पर ही सबसे बड़ा सवाल है, बाकी इन्होंने जो अपनी समस्याएं उठाई, भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों का निराकरण कैसे करके यूसीसी लेकर आए? देखिए, जहां 370-35 से जब हटी थी तब राहुल गांधी ने कहा था वहां पर कत्लेआम हो गया, कत्लो गैरत होगी, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, ये उनका अगले दिन उनका बयान है, उन्होंने बीबीसी को कोट करते हुए ऐसा कुछ बयान दिया था। परंतु क्योंकि वह हर चीज जो मोदी जी करेंगे या देश क्षत्रियों के उस पर विरोध करना है। अब उदाहरण के लिए एक धर्म के अंदर शादी की उम्र 15 साल है उनके पर्सनल लॉ के चलते हुए जी। देश कहता है कि आप 18 साल से कम में शादी, अब तो 21 साल हो गए, शादी कर नहीं सकते। तो क्या हम चाइल्ड मैरिज अलाउ करेंगे क्या? 15 साल का बच्चा तो चाइल्ड मैरिज में आता है, क्या हम चाइल्ड मैरिज अलाउ करेंगे क्या? ये सोचने की बात है। फिर अभी इन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक की बात या चार शादियों की बात, आप चार शादियां कर सकते हैं। तो मैं कल के किसी को सुन रहा था, कह रहा कि नहीं नहीं, अगर एक शादी से बच्चा ना हो, दूसरी शादी कर ले, दूसरी से तीसरा, तो एक बहन जी बैठी थी, बोले ये छूट हमको भी दे दो आप। हाँ। कि आप सिर्फ आदमियों को क्यों छूट है, पुरुषों को क्यों छूट है? हाँ, बिल्कुल, लैंगिक समानता तो होनी चाहिए। ये छूट बहनों को या औरतों को भी दे दो। जब उनका अगर एक पुरुष से बच्चा नहीं हो पा रहा, दूसरा पुरुष होकर रख ले, अपने दूसरे पुरुष से शादी कर ले, नहीं हो रहा तीसरे कर ले, तो ये क्या कुछ विसंगतियां हैं। अब है तो है, उनको ठीक करने का समय आ गया। जैसे हिंदू कोड बिल लाकर जो विसंगतियां थी उसको दूर किया जी। जिस प्रकार से यहाँ पर सती प्रथा थी या बाकी जो प्रथा थी वो सब हटी यहाँ पर देश से, नहीं तो इस देश में सती प्रथा चलती रही बहुत साल तक। और इसी प्रकार बच्चा गोद लेने के लिए छूट नहीं है एक धर्म में, तो वो दोनों पति पत्नी दोनों पर नहीं है, ठीक है। तो ऐसी तो छूट हो कि वह जो बाकी लोगों को छूट है वैसी कर सके। हाँ, आपकी जो निजी मतलब मेरे को, मैं सिख हूँ, मुझसे ज्यादा माइनॉरिटी तो हो सकते, जिन माइनॉरिटीज की
बाकी लोगों की चिंता, वो तो सेकंड मेजोरिटी है, मिनोरिटी नहीं कहते, 15% को आप मिनोरिटी नहीं मान सकते, मिनोरिटी तो हम लोग 1.5% वाले मिनोरिटी है। हमें चिंता होनी चाहिए, बेशक हमें हमें इसकी ज्यादा चिंता होनी चाहिए भी क्या विषय है जल जो हमको कल तंग करेंगे, जिन विषयों को जो हमारे धार्मिक चिन्ह है, हमारे जो धार्मिक प्रथाएं हैं उसको लेकर क्या विषय होंगे, परंतु ये धार्मिक चिन्ह और धार्मिक प्रथाओं को छूने वाला ही नहीं है, है ही नहीं, बिल्कुल वही आरिफ मोहम्मद खान कह रहे थे, ये समाज के जो विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेना, तलाक देना, चार चार शादियां ना करना, मतलब एक बार दूसरी शादी कर लेना, इन सब विषयों पर चिंता करता है। और एक और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड दुनिया भर के मुसलमान देशों में लागू है, जी जी, ये भारत में लागू नहीं है। और ये ट्रिपल तलाक को लेकर जिस प्रकार से कर रहे थे अभी बात, ट्रिपल तलाक इजिप्ट के अंदर 90 साल पहले लागू हुआ, वो दुनिया दुनिया के अंदर कहीं भी बाकी देशों में भी ट्रिपल तलाक नहीं है, तो वो उसको वहां से हटा दिया गया था 90 साल पहले। तो क्या कि कुछ समाज में कुसंगतियां या कुछ सिस्टम में दिखते हो उसको समय समय रहते हुए समाज के हिसाब से ठीक कर लेना चाहिए, इसमें क्या बढ़ाई है। और 70 साल हो गए अब तो, समाज आगे बढ़ गया 70 साल में, 7 दशक से ज्यादा। लौटता हूँ आपके पास विनोद जी, आप कुछ एक तो उनको गोवा के कानून के बारे में बता रहे थे, गोवा में बहुविवाह के मामले में, उसको भी बताइए, और ये भी कि आखिर जब सब कई जगहों पर है, यहाँ तक कि इस्लामिक देशों में भी है इस तरह के, तो यहाँ क्या दिक्कत हो रही है एक धर्मनिरपेक्ष देश में? विनोद जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिंदल साहब को समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम दुनिया के अलग अलग देशों में सब जगह ऐसा रहा होगा। अब अगर आप देखें कि दुनिया में सबसे अगर ज्यादा मजबूत और फ्रांस का ही मॉडल था ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो ऐसा नहीं है कि जो हर सोसाइटी में ऐसे इस तरह के चीजें दिक्कत में आई होगी, लेकिन दुनिया के देशों ने अपने को करेक्ट किया है। जैसा कि आरपी सिंह जी कह रहे थे, आप मुस्लिम कंट्री में देखिए कि उनका अपना एक कानून है, उसमें किसी और दूसरे तीसरे के लिए अलग अलग कानून की प्रावधान वहां पर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जिंदल साहब बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की बात को वो कर रहे थे, रिएक्शन दे रहे थे कि पीएम ने जो कहा था भोपाल में, उन्होंने कहा था इसको आप वोट बैंक से मत जोड़िए, ठीक, और उसमें आप समाज के एक वर्ग को जो आप वंचित रखा हुआ है, खास करके उसमें महिलाओं और पसमंदा समाज की बातों कर रहे थे, तो हुआ क्या? आप ये देखिए कि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो 1975 में वो एग्जिस्ट में आया था, जो एक एनजीओ है, आपने उसके दबाव में 62 साल की महिला साहबानों थी जो लोअर कोर्ट से लड़ते लड़ते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई थी, सिर्फ 200 रुपए के उसके मासिक भत्ता के लिए, और 200 रुपए उसको भत्ता मिल जाता तो क्या उसमें ऐसा कायमत के हो जाते, क्या चीज ऐसा हो जाता कि एक मजहब के लिए वो नुकसान होता? लेकिन आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल ने उस पर दबाव बना के आपने संसद से उसको अमेंडमेंट कराया था। तो ये चीजें कहने के लिए लोगों के पास साक्ष्य हैं, लोगों के पास ये तर्क हैं कि 50 साल आपने उसके बाद पीछे कर दिया, आपने बैक गियर में डाल दिया एक प्रोग्रेस को, एक समाज को, एक चीजें जो बहस में आ रही थी साहबानों के साथ, यही बात आरिफ मोहम्मद खान बताएंगे कि आप इसको आगे बढ़ना चाहिए। सहयोग देखिए कि आरिफ मोहम्मद खान उस चीज से भी जुड़े हुए हैं, उसी मुद्दे पर उन्होंने इस्तीफा दिया था मंत्रिमंडल से। लोकेश जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। लोकेश जी आपने कहा कि ये सरकार कभी एक्सलेटर लगाती है, कभी ब्रेक लगाती है, हमें तो लगता है कि लोकतंत्र, मानवाधिकार, नारी अधिकार के मामले में, धर्म निरपेक्षता के मामले में हमने पहले ही कभी एक्सलेटर लगाया, कभी ब्रेक लगाया। अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो धर्म पर आधारित कानून क्यों बनाते उस समय? लोकेश जी देखिए, आपने धर्म पर आधारित जो कानून की बात की है, केवल धर्म आधारित कानून समाज में सुधार लाने के काबिल के मतलब के लिए जिम्मेदार नहीं करा कह सकते। हम नहीं कह सकते कि धर्म के आधार पर कानून बना देंगे तो समाज में सुधार आ जाएगा। मैं उदाहरण देता हूं, धर्म निरपेक्षता के आधार पर कह रहे हैं, 498C, सेक्शन 498C जो डाउरी प्रोहिबिट करता है, इसको क्रिमिनल ऑफेंस कहता है, लेकिन उसके बाद में क्या डाउरी डेथ कम हुई है क्या? उसके बाद में वो डाउरी एज अ सोशल इविल चला गया है, ऐसा नहीं गया है। मर्डर करना, मर्डर पर भी बंद कर दो, आवश्यकता है इसका, ये भी तर्क है, ये भी तर्क है, मर्डर पर भी बंद कर दीजिए आप, खून करना भी तो लोग खून करना बंद कर दीजिए, जब तक हम समाज में अनुकूल परिस्थितियां निर्माण नहीं करेंगे तब तक सोशल लेजिस्लेशन इफेक्टिव नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्या, आप एक लाइन में बताइए, एक लाइन में आप बताइए लोकेश जी, यूसीसी के पक्ष में है कि नहीं है, हाँ या ना? देखिए वर्तमान में परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, ठीक, समझ गए, आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं वर्तमान में पक्ष में नहीं है।
अगले 100 साल नहीं होंगे इनके हिसाब से, इनके हिसाब से 370-35 के लिए अनुकूल नहीं थी, ट्रिपल तलाक के लिए अनुकूल नहीं थी, तो इनके हिसाब से चलो तो राम मंदिर भी नहीं बनना चाहिए था। कोर्ट गए थे, कचहरी गए थे, वहां पे जाकर हल्ला भी किया था कि राम मंदिर नहीं बने, उसके लिए जाकर कपिल सिब्बल जी ने खूब जाकर धाड़े भी मारे कि राम मंदिर चुनाव के बाद की बात करें। तो ये तो अपनी जगह है, इनकी इनकी अपनी मनस्थिति है, ये वोट बैंक की राजनीति चलते किसी हद तक जाते हैं, इनका इन्होंने एक पर्टिकुलर रंग का चाहिए, मजबूत इच्छा शक्ति है कि आएगी, बिल्कुल सुनिश्चित है देश में। मैं करूं सबसे ज्यादा चिंता तो मेरी संप्रदाय को होना चाहिए, कम्युनिटी को होना चाहिए, हम कह रहे हैं कि आना चाहिए, सबके लिए बराबर के अधिकार होने चाहिए, और हाँ उसमें जो मेरे निजी धर्म के या मेरे निजी प्रार्थना के या मेरे निजी और अधिकार हैं उनका हनन नहीं है, उसके बाद आए उसमें क्या दिक्कत है। ठीक ठीक, चलिए यहीं पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। संविधान सम्मत है और निश्चित तौर पर धर्मनिरपेक्षता के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी जुड़ने के लिए, आरपी सिंह जी आपका भी और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि समान नागरिक संहिता में क्या कुछ हो रहा है और पार्टियों का पोजीशन क्या है और क्या आने वाले संसद के सत्र में ये जो मॉनसून सत्र आना है उसमें इससे संबंधित विधेयक आ सकता है क्या। तो आरपी सिंह जी ने कहा कि हाँ पूरी संभावना है, इस पर तेजी से काम हो रहा है। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रुख करेंगे कुछ और बड़ी खबरों का। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत, बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800180080 पर कॉल करें। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर, आप देख रहे हैं इस वक्त। अब रुख करते हैं राजस्थान का, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान के आखिरी दिन बड़ा प्रोग्राम किया है। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान का आज आखिरी दिन है, तो राजस्थान के उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विशाल रैली हुई। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर शूरवीर महाराणा प्रताप की धरती पर यह सार्वजनिक रैली हुई, मेवाड़ की धरती पर, क्योंकि उदयपुर वहीं पर आता है। गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान सरकार पर हमला, कहा राजस्थान में बहुमत के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र करते हुए ये बात कही और साथ ही उन्होंने कहा कि विकास के हर पैरामीटर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नए आयाम गढ़े हैं। ये अमित शाह ने खास तौर पर कहा। मोदी सरकार में भ्रष्टाचारी जेल में, लेकिन गहलोत की राजस्थान सरकार में भ्रष्टाचारी नंबर एक पर हैं, अमित शाह ने यह बात कही। साथ ही उन्होंने जिक्र किया, अभी विपक्ष के सभी नेता पटना में एकत्रित हुए, 21 पार्टी के लोग, 21 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठे हुए थे, अमित शाह ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर पीएम बनते हैं तो घपले घोटाले भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएंगी, मोदी जी फिर से पीएम बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे होंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का अभियान तेज हो चुका है। लगातार तीसरे दिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में था, क्योंकि इसके पहले जेपी नड्डा भी वहां का दौरा कर चुके हैं। और जनसभा के बाद अमित शाह की उदयपुर संभाग के जनजातीय क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं और प्रबुद्ध जनों के साथ अहम बैठक। उधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा और कई कार्यक्रम। राजस्थान में अमित शाह ने विपक्षी एकता पर जो कड़ा प्रहार किया और कहा कि पटना में 21 पार्टी के लोग, 21 लाख करोड़ रुपए के घपले करने वाले लोग इकट्ठे हुए थे, आइए सुनते हैं। तो हम अमित शाह की बातें आपको आगे चलकर सुनवाएंगे, लेकिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में एक जनसभा में कहा कि कमलनाथ सरकार ने विकास की गंगा को अवरुद्ध कर दिया था, लेकिन शिवराज सरकार ने उस गंगा को आगे बढ़ाया। 3,28,000 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में गांवों को
सभी मौसम में आने जाने की सुविधा हो, इसकी व्यवस्था की है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, आदिवासी, इन सब की चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है। और धरती पर उतारा है तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने उतारा है। और अब हम आपको सुनवाते हैं कि राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी एकता पर क्या कहा था। सारा विपक्ष के नेता पटना में इकट्ठा हुए, 21 पार्टी के लोग थे और 21 लाख के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले लोग वहां पर इकट्ठा हुए। 21 लाख के घपले घोटाले, जनता को हिसाब नहीं देना है। अरे मैं इस मंच से चैलेंज देता हूं नरेंद्र मोदी सरकार पर, आज तक हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए मित्रों, एक भी आरोप। और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर हमारे साथ। शैलेंद्र, जिस तरह से ये संबोधन अगर सुना जाए और इसको समझा जाए तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को और साथ में जो राजस्थान में घटनाएं घटी हैं, तुष्टीकरण के जो आरोप लगे हैं, इन दो चीजों को बिल्कुल एकदम ऊपर रखना चाहती है राजस्थान में। निश्चित तौर पर देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की जो विफलताएं हैं कानून व्यवस्था को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर जो बीजेपी प्रहार कर रही है, वो हम देख रहे हैं कि राजस्थान में उसे बड़ा चुनावी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है। जो बीजेपी के शीर्ष नेता गए हैं राजस्थान में महासंपर्क अभियान के दौरान चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने, हमने देखा कि राजनाथ सिंह पहले रक्षा मंत्री आपसे दो दिन पहले थे, कल जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर थे और आज उदयपुर में आपने अमित शाह गृह मंत्री की जनसभा सुनी। महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान से ही जब औपचारिक तौर पर देखें शुरुआत हुई थी अजमेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से महासंपर्क अभियान की, और आज जब इस एक तरह से कहा जा रहा है कि इस एक महीने का जो धुआंधार जनता तक पहुंचने का अभियान था मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर, उसमें देखें तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से सबसे एक अहम नेता गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में है, तो निश्चित तौर पर राजस्थान कितना महत्वपूर्ण है ये अपने आप में दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के लिए। और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसमें परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन दो मुद्दों के लेकर बीजेपी, हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर काफी हमलावर है और निशाना साध रही है, चाहे बीजेपी के शीर्ष नेता हो या फिर स्थानीय नेता हो, इन मुद्दों पर खूब बात करते नजर आ रहे हैं राजस्थान में और राजस्थान से बाहर भी। आप देखें कि आज जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में जिस तरह से विपक्षी दलों पर निशाना साधा और केंद्र सरकार और शिवराज सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की, तो ये दो मुद्दे हैं जिनको हमें लगता है कि चाहे लोकसभा चुनाव में आगामी या फिर जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, वहां पर इसे बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाना चाहते हैं। शैलेंद्र, महाजनसंपर्क अभियान का आज आखिरी दिन है और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे पार्टी के रूप में जाना जाता है जो हमेशा अपना कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलाती रहती है। अब आगे क्या पार्टी की रणनीति में, अब इस महाजनसंपर्क अभियान के आज पूरा हो जाने के बाद आगे की रणनीति क्या क्या है, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, डिजिटल रैली के जरिए जो मध्य प्रदेश में हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसने एक इतिहास रचा, उसमें हम देख रहे हैं कि देश भर से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया, उन्हें एक काम सौंपा गया है कि वो बूथ स्तर तक जाएं, उसका क्या फीडबैक होगा, क्योंकि बीजेपी निरंतर संगठन के काम आगे करती रहती है। और दूसरी बात यह है कि चुनाव वाले राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं अगले कुछ महीनों में, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, वहां पर विस्तारकों की नियुक्ति की गई है, जिनको कुछ लोकसभा क्षेत्र दिए जाएंगे, कुछ विधानसभा क्षेत्र जहां पर वो पार्टी के लिए काम करेंगे, संगठन के साथ तालमेल करके फीडबैक देंगे, जनता के बीच संवाद करेंगे, तो वो पार्टी की व्यू रचना है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस पूरे महासंपर्क अभियान में बीजेपी ने प्रबुद्ध जनों से मुलाकात का कार्यक्रम रखा, हर जगह पर बीजेपी के शीर्ष नेता कुछ प्रबुद्ध जनों से मिले, टिफिन बैठ के हुई, घर से लोग भोजन लेकर आए और टिफिन के साथ बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ संवाद हुआ,
इन सबका एक फीडबैक लिया जाएगा और उसकी एक रिपोर्ट तैयार होगी और आगे की जो कार्यक्रमों की रूपरेखा है वो विस्तार तौर पर बनेगी। लेकिन चुनाव वाले राज्यों में काम शुरू हो चुका है, खासतौर पर वहां पर हम देख रहे हैं कि विस्तारकों की नियुक्ति और किस तरह से वहां मुद्दों को उठाना है उस पर पहले से ही पूरी भूमिका बनाई जा चुकी है और उस पर काम आगे बढ़ चुका है संगठन के लिहाज से। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए इस खबर पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़े थे। भारतीय जनता पार्टी की जो महासंपर्क अभियान है उसका आज आखिरी दिन है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने एक साल पूरा कर लिया है लेकिन महाविकास आघाड़ी जो विपक्षी है उसमें राजनीति का टेम्परेचर कम नहीं हुआ है, वहां लगातार उथल पुथल है। तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, तो चर्चा तेज हो गई है कि क्या मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा हुई, क्योंकि जून 2022 में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट ने सरकार बनाई थी और तब उस समय 18 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। लगभग साल भर दरअसल जो पार्टी में फूट का मामला था वो अदालतों में चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला था, चुनाव आयोग में भी मामला था, तो शायद इसी वजह से मंत्रिमंडल में विस्तार टलता रहा। और इस बीच डीडी न्यूज के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। और दरअसल उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार को किंग मेकर से ज्यादा किंग ब्रेकर कहा है, यानी कि वो सरकार गिराने का आरोप लगाया है, वादा तोड़ने का आरोप लगाया है। फडणवीस ने जोर देकर कहा कि उद्धव सेना ने जब अलायंस तोड़ा था तब शरद पवार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने की पहल की थी। उस समय शरद पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर मंत्रियों के नाम भी तय कर लिए थे लेकिन बाद में वो मुकर गए, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का दावा है। तो एनसीपी भले इसे पब्लिसिटी स्टंट कहे लेकिन एनसीपी का शिवसेना और कांग्रेस के साथ आना और सरकार बनाना उनकी भूमिका को दर्शाता है। और इस बीच अगर एनसीपी के अंदर की बात कीजिए तो शरद पवार ने पार्टी में अपने भतीजे अजीत पवार के पद को काफी छोटा कर दिया है हाल की गतिविधियां जो हुई हैं। तो राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार तो काफी दिनों से लंबित है और अभी शिंदे सरकार में केवल 20 मंत्री हैं, अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को मिला लें तब, तो जाहिर है कि संभावना अभी 22 और मंत्रियों की बन सकती है और सत्ता पाने की लालसा तो शरद पवार को फैसले बदलने के लिए मजबूर भी कर सकती है जिस तरह की चर्चा सुनाई पड़ती है। तो डीडी न्यूज के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर बड़ा आरोप लगाते हुए क्या कहा था, आइए सुनते हैं। पवार साहब किंग मेकर से भी ज्यादा किंग ब्रेकर है, सरकारें तोड़ने में उनको एक बहुत महारत हासिल है और ये बात तो सही, अनुभवी नेता है तो ये सारी चीजें करते रहते हैं, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो शरद पवार साहब तो ये सारी चीजें चला, एनसीपी के कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम नहीं चाहते कि तीन लोगों की सरकार बने, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनेगी, महाराष्ट्र का नुकसान होगा, हम चाहते हैं बीजेपी के साथ आना। हम लोगों ने चर्चा की, शरद पवार जी से ही चर्चा की, शरद पवार जी ने हामी भरी, शरद पवार जी की हामी के कारण ही मैं और अजीत पवार हम लोगों ने सारी चीजें डिसाइड की, बाद में शरद पवार जी हट गए। बड़ा खुलासा किया है देवेंद्र फडणवीस ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में। और शिशिर शेलार हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से, हमारे संवाददाता शिशिर। देवेंद्र फडणवीस ने यह बड़ा खुलासा किया है इतने दिनों के बाद और वो भी डीडी न्यूज से खास बातचीत में, क्या कुछ इस खुलासे में उन्होंने कहा कि उस समय बिल्कुल सारा फॉर्मूला बन गया था, उसके बाद शरद पवार मुकर गए, क्योंकि हमने देखा था कि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल भी हुए थे सुबह सुबह। बिल्कुल, देखिए हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने एक बात काफ़ी स्पष्ट की है कि एनसीपी अगर किसी के हाथ में या एनसीपी किसी का वर्चस्व है वो शरद पवार का है, तो ऐसे में जब 2019 में ये बात उठी थी कि किस प्रकार सरकार बनाई जाए, तो ऐसे में फडणवीस ने स्पष्ट किया कि एनसीपी जो थी वो तैयार थी बीजेपी के साथ आने के लिए। हालांकि मसलन उन्होंने ये भी कहा कि तब एनसीपी ने कहा था कि बीजेपी और एनसीपी जो है सरकार बना सकती है और इसीलिए जो है अब बाद में जो है बातचीत का दौर शुरू हो गया और बातचीत के दौर में कई सारे निर्णय लिए गए, किस प्रकार सरकार बनाई जाएगी, कैसा मंत्रिमंडल होगा, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई थी। हालांकि ये सब
उस वक्त हुआ था, ऐसा कहना है देवेंद्र फडणवीस का। हालांकि ये सब जब हुआ था तब शरद पवार को भी जो है इसकी जानकारी दी गई थी, और ऐसे में शरद पवार की सम्मति से ही जो बातचीत थी वो चल रही थी और सरकार जो है बीजेपी और एनसीपी की महाराष्ट्र में बनने जा रही थी। लेकिन जैसे कहा कि कुछ ही दिनों में, मतलब सरकार बनने से पहले ही कुछ दिनों में जो है शरद पवार जो है मुकर गए, उन्होंने कहा कि वो सरकार बनाना नहीं चाहते, ऐसा आरोप उन पर लगाया। हालांकि शरद पवार की अगर बात कहें तो पहले शरद पवार ने कहा था कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी अपनी जीवनी पर आधारित बायोग्राफी, उसमें भी इसका जिक्र नहीं था। लेकिन बार बार जब बात उठी तो पत्रकार संवाददाता सम्मेलन जो था उसमें शरद पवार ने कहा कि मैंने गुगली फेंकी थी। इसका मतलब स्पष्ट है कि पवार मानते हैं कि इस प्रकार से बातचीत जरूर हुई थी और इस प्रकार की बातचीत में भी जो है सम्मिलित थी इस प्रकार का, अगर उनकी बात माने तो जिस प्रकार से उन्होंने बयान किया है गुगली वाला, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको भी इसमें लूप में रखा गया था, उनकी जानकारी दी गई थी। लेकिन जिस प्रकार से दांव पेच होते राजनीति के, पवार ने अपने यहां पे दांव खेला और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने उनको किंग ब्रेकर। शिशिर, अब आते हैं एकनाथ शिंदे और अमित शाह के मुलाकात पर, क्या मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा है? देखिए, चर्चा काफी दिनों से यहां पर है, खास तौर पर राज्य के मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करें तो राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार भी काफी प्रलंबित है। हालांकि इसमें अगर देखा जाए सिर्फ 20 मंत्री इस वक्त राज्य में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आंकड़ा देखा जाए तो आंकड़ा डबल हो सकता है, मतलब तकरीबन 40 से 42 मंत्री जो है इस मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। हालांकि एक साल हो चुका है लेकिन इसके बावजूद भी अब तक जो है मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो अब तक ये मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ उस पर अभी तक प्रश्न चिन्ह खड़े हैं। लेकिन जैसे हमने कहा कि पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए, फिर चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनके साथ बातचीत का दौर इस वक्त जारी है। जिस प्रकार से अमित शाह से बातचीत हुई, अब ये मीडिया रिपोर्ट्स में अटकलें लगाई जा रही है कि केंद्र का मंत्रिमंडल विस्तार होगा और राज्य का भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, ये अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन अब तक इसके ऊपर कोई स्पष्टता नहीं आई है, ना ही इस बैठक के बारे में मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर कुछ कहा है, ना कि उपमुख्यमंत्री तौर पे, हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कहा है, लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही है वही है। और इसके पीछे फॉर्मूला भी सेट है कि जिस प्रकार से इससे पहले, मतलब जो ठाकरे समय शिवसेना जो बीजेपी के साथ थी, उनको भी जो केंद्र में मंत्रिमंडल मिला था और राज्य में सहभागी थे, ऐसे में अब शिंदे सरकार, शिंदे गवर्नमेंट जो है, उनको भी जो है केंद्र में जो है स्थान मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, देखते हैं आने वाले दिनों में यह विस्तार मंत्रिमंडल का होता है या नहीं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और आज के इस वक्त में इतना ही, हम आपसे अनुमति लें उससे पहले हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि देश में लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना से आज करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है। जनजातीय इलाकों के लिए भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य यानी कि आयुष्मान भारत योजना वरदान साबित हो रही है। पेश है हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति से ये खास रिपोर्ट, आप रिपोर्ट देखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना का लोगों को लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत लोगों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते हैं और बीमार होने पर 5 लाख रुपए तक के इलाज का निशुल्क प्रावधान है। ऐसे लोग जो गरीबी के कारण इलाज करवाने में असमर्थ थे, उनके लिए ये योजना वरदान बनकर सामने आई है। लाहौल स्पीति जिले के लोगों का कहना है कि अब उन्हें आसानी से और सुलभ इलाज की सुविधा मिल रही है। आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये खासकर गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मतलब मददगार साबित हो रही है। जो पहले मतलब इलाज नहीं कर पाते थे, वो इस योजना के तहत जो है बाहर जाके अपना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा रहे हैं। खासकर ये गरीब लोगों के लिए तो वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य के अंतर्गत जो कार्ड बनाए जा रहे हैं उसमें 5 लाख तक दवाई का खर्चा प्राप्त होता है। इससे गरीब आदमी जो अपना इलाज सही ढंग से बाहर नहीं कर पाते हैं, इस स्कीम के अंतर्गत इनको 5 लाख तक का जो राशि मुहैया कराया जाता है और फ्री में इलाज कराया जाता है, इसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है जिला लाहौल स्पीति में लोगों को। आयुष्मान भारत योजना बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि जो पहले गरीबी के कारण अपना इलाज अच्छे से नहीं कर पाते थे, तो वे आयुष्मान भारत योजना के वजह से अच्छे से अपना इलाज करवा पाते हैं। लाहौल स्पीति जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत 5,465 स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोशन लाल के अनुसार अब तक 868 लोगों को योजना के तहत इलाज की सुविधा मिली है।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक बहुत ही अच्छी योजना है और खासकर वीकर सेक्शंस के लोगों के लिए बना हुआ है। इसमें जो है एक फैमिली में 5 लाख तक के बेनिफिट जो है पेशेंट जो है उठा सकता है 1 साल के अंदर। और इसमें अन्य जिलों के जैसे बनाए हैं सभी जिलों में, तो लाहौल स्पीति में भी 2163 लोगों ने जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से 5465 लोगों को इसका कार्ड भी दिया गया है। और उन कार्ड होल्डरों में से 868 लोगों ने जो है विभिन्न अस्पतालों में जाके जो है उन्होंने बेनिफिट लिया है इस प्रोग्राम के अंडर में, जिसमें से आपका 97,48,215 जो है इतना एक्सपेंडिचर जो है हमारे लोगों के लिए जो है इस योजना में किया गया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आर्थिक रूप से कमजोर और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का सफल इलाज करवाने में मददगार बनी है। योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने से लोग खुश हैं। डीडी न्यूज के लिए केलंग से कुंदन लाल की रिपोर्ट।